आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी नवरात्रि 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो मैं ये जो टोटका है उपाय बताने जा रहा हूँ, ये आपको नवमी के दिन करना है, मतलब 18 अक्टूबर को नवमी है, तो उस दिन आपको करना है। देखिए, नवरात्रि जहाँ 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करके आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का त्यौहार है, वहीं कुछ सरल नवरात्रि के टोटके और उपाय आप करके अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको धन लाभ और जॉब मतलब नौकरी के लिए उपाय बताने जा रहे हैं, और ये करना है आपको सिर्फ आखिरी दिन नवरात्रि के, मतलब 18 तारीख को। तो सबसे पहले तो हम आपको धन लाभ के लिए बता दें, धन की आवश्यकता हर किसी को है, लक्ष्मी की आवश्यकता हर किसी को है। तो नवरात्रि के आखिरी दिन आप अष्टमी को भी कर सकते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन अष्टमी या नवमी को आप किसी एक खाली जगह या शांत कमरे में उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाइए। आसन आपको पीला रखना है। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाइए और ये साधना काल तक जलते रहना चाहिए। जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए। इन 9 दीपक के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर एक श्रीयंत्र रख लीजिए। इस श्रीयंत्र का कुमकुम फूल धूप तथा दीप से पूजन करें। बेसिकली आपको जो पूजन करना है वो श्रीयंत्र का करना है। अब जब आपकी सारी क्रिया समाप्त हो जाए, जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, तो एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। अब इस श्रीयंत्र को अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए। बाकी पूजा में जो से सामान जो बचा हुआ है उसको आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या तो आप नवमी की रात में प्रवाहित कर दीजिए या तो दसवीं की सुबह प्रवाहित कर दीजिए। इस प्रयोग से क्या होगा कि आपको बहुत जल्द और अचानक धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम आपको नौकरी के उपाय बता देते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है। नवरात्रि के अंतिम दिन मतलब नवमी के दिन मतलब 18 अक्टूबर को आप सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान वगैरह कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। स्नान वगैरह करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर उस पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूर्व मतलब जिधर से सूरज उगता है, ईस्ट। अब अपने ठीक सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाले स्फटिक की माला रख दीजिए, स्फटिक की माला, तथा इस पर केसर और इत्र छिड़ककर माला का पूजन कीजिए। माला को धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीम भागवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप आपको 31 बार करना है। इस प्रकार लगातार 11 दिन तक करने से वो माला सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद जब भी किसी इंटरव्यू में जाना हो, किसी नौकरी के इम्तहान में जाना हो या किसी से मिलने जाना हो, तो आपको ये माला पहनकर जाना है। उसका रिजल्ट ये होगा, किसी दिन इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।